अब अलेक्जेंडर और महारानी ओलंपिया को यह ज्ञात होगा कि हम भारतीय अपने शत्रु को मातृभूमि से खदेड़ने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। होशियार, हम पर हमला हुआ है। पर हमला हुआ है, चाहे जो भी हो आप इस खेमे से बाहर मत निकलिएगा जब तक मदद नहीं आती। मैं आपको यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। कोई अलेक्जेंडर के खेमे पर हमला क्यों करेगा? हाँ, कौन हो सकता है? पोरस, एक वो ही है जो अलेक्जेंडर के घर में घुसकर हमला कर सकता है। उसने जुबान दी कि वो हमेशा मेरी हिफाजत करेगा। वो अपनी जुबान निभाने आ गया है। अलेक्जेंडर को जवाब दे। क्या हुआ शाह? ये पैगाम। मैंने जो पौरव मुल्क में किया उसकी सजा देने आई। नहीं पारसी, जो तुमने पौरव राष्ट्र के लिए किया उसका धन्यवाद देने। ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, तुम्हें यहां से निकालना शेष है। अस्ति गुरु का संकेत। शाह का इकबाल बुलंद हो। शाह पोरस और उसके साथी उसकी नहरी की ओर गए हैं।
वो लोग कश्तियों से निकल रहे हैं। तो फिर पोरस की जिंदगी की कश्ती भी वहीं डूबेगी। लगता है अलेक्जेंडर यहां पहुंच चुका है। इस नौका की दिशा बदलो और शेष नौकाओं को यहीं आसपास ठहरने को कहो। वो स्वयं हमारे जाल में फंसने आ रहा है। हो क्या रहा है? पोरस ने हमें अपने जाल में फंसाया है। जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द किनारे पर पहुंचना है। अभी इसी वक्त और यही खत्म करते हैं पोरस। मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं अलेक्जेंडर। तुम्हें भारत भूमि से बाहर खदेड़ कर इस खेल का अंत करने के लिए।